हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक हार्ड से ऑनलाइन क्लास क्लास 9 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। वी आर कंटिन्यू डिस्कस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर 3। टुडे वी आर डिस्कस एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 1। इन विच क्वाड्रेंट और ऑन विच एक्सिस टू ईच ऑफ द पॉइंट्स -2, -4, -1, -0, -2 and -3, -5 लाइन। वेरीफाई योर आंसर बाय लोकेटिंग देम ऑन द कार्टेशियन प्लेन। तो कार्टेशियन प्लेन मींस एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, आपको ग्राफ में रिप्रेजेंट करने गिवन पॉइंट को, और ये बताना है कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन से क्वाड्रेंट में नहीं है। तो देखिए, इससे पहले भी हमने इस टाइप के क्वेश्चंस अटेंड किए थे कि क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम एक ग्राफ बनाएंगे, इन पॉइंट को लोकेट करेंगे उस ग्राफ पेपर में। तो आपको जो ग्राफ पेपर में, आपके पास ग्राफ पेपर ऑलरेडी होता है, तो उस ग्राफ पेपर में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ड्रॉ करना है। सपोज देखिए, ये आपका ग्राफ पेपर के अकॉर्डिंग आपने वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइन से डिवाइड कर दिया ग्राफ पेपर। कंप्लीट ग्राफ पेपर है उसमें वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइन। वी नो दैट वर्टिकल लाइन एक्स एक्सिस, ये ओरिजिन होता है, ये पॉजिटिव पार्ट, ये नेगेटिव एक्स डैश एक्स का, वर्टिकल में वाई एंड ये वाई डैश। ठीक है, ये पूरा जो आपका ग्राफ पेपर है उसके अकॉर्डिंग आपने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करी और वर्टिकल लाइन स्केल की हेल्प से। अब जो आपके पास स्क्वायर बॉक्स होता है, लार्ज स्क्वायर बॉक्स, अब देखिए सबसे पहले हमें इसमें स्केल सेलेक्ट करना होगा। स्केल 1 स्क्वायर बॉक्स, स्क्वायर 1 स्क्वायर बॉक्स इज इक्वल टू 1 मीटर। जो ग्राफ पेपर में लार्ज जो स्क्वायर बॉक्स है उसको हम क्या अज्यूम करेंगे, 1 यूनिट, क्योंकि हमारे पास जो गिवन नंबर है -2, -4, -3, -1, -0 ये इजीली लोकेट हो जाएंगे। अगर नंबरों की रेंज हमारे पास ज़्यादा है, 50, 100, 200 की रेंज में, तो हम यहाँ पर स्केल को चेंज कर देंगे, 1 स्क्वायर बॉक्स 10, 20 के डिफरेंस में ले सकते हो, जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन हमने किए। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें स्केल सेलेक्ट करना होगा ग्राफ पर। अब देखिए, इसमें हम जैसे ये स्क्वायर बॉक्स 1 का, तो उसके बाद सेम डिफरेंस ले लेते हैं, अप्रोक्स आपको आइडिया बता रहे हैं, लेकिन ग्राफ पेपर में ऑलरेडी बने होते हैं स्क्वायर बॉक्स, तो उसमें आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ऐसे ये पॉजिटिव होता है, यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे ही नेगेटिव में इधर -1, -2, -3, -4, -5 ऐसे ये नेगेटिव हमारे पास -1, -2, -3, -4, -5 एक ग्राफ पेपर में आपके पास स्क्वायर बॉक्स होंगे, तो ये 1 स्क्वायर बॉक्स, ये 1, -2, 3, 4 ऐसे सो हम रिप्रेजेंट कर देंगे नंबर। अब देखिए, जो फर्स्ट नंबर है हमारे पास -2, 4, इससे पहले हमने डिस्कस किया था, फर्स्ट जो हमारे पास नंबर होता है वो एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है और सेकेंड वाई एक्सिस को। तो इसका मतलब एक्स पर -2 चल रहा है और वाई पर +4। तो एक्स माइनस का जो पोर्शन होता है ये नेगेटिव पार्ट एक्स का -2 और वाई +4, तो -2 and +4 भी। तो स्केल की हेल्प से लाइन ड्रॉ करके ये हमारे पास पॉइंट आएगा, ये -2 and 4, एक्स एक्सिस पर -2 और वाई पर +4, तो पॉइंट आएगा वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस मैच करें। जैसे हमने कहा था गिवन पॉइंट होते हैं, जैसे इससे पहले क्वेश्चन किए थे, तो उस पॉइंट से हम एक्सिस पर वर्टिकल, वो उस पॉइंट से मतलब परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन है वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं गिवन पॉइंट से। ऐसे हमारे पास में भी ये वर्टिकल होगी उसी के अकॉर्डिंग -2 and ये +4। नेक्स्ट 3, -1, एक्स पॉजिटिव 3 वाई -1, एक्स पॉजिटिव यहाँ पर ये प्लस का 3 है और वाई -1, वाई यहाँ पर होता है जो कि -1 नेगेटिव नीचे, तो ये 3 और -1 की
लाइन वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली, तो ये माइनस जो हो गया 3 माइनस एक्स पर 3 और वाई पर माइनस, ये पॉइंट आ गया हमारे पास। नेक्स्ट माइनस 1 कॉमा 0, एक्स पर माइनस 1 और वाई पर 0, तो एक्स पर तो माइनस 1 है और वाई पर 0, ये इसी पॉइंट पर आ जाएगा उसी एक्सिस पर माइनस 1 कॉमा, याद रहे ठीक है माइनस 1 कॉमा 0। नेक्स्ट 1 कॉमा 2, एक्स 1 वाई 2, एक्स 1 वाई 2 दोनों पॉजिटिव, एक्स 1 वाई 2 ये पॉजिटिव उसी के अंदर, तो ये 1 कॉमा 2 आगे पॉइंट बना। माइनस 3 कॉमा माइनस 5, माइनस 3 कॉमा माइनस 5, एक्स माइनस 3 वाई माइनस 5, माइनस 3 माइनस 5, तो ये देखिए माइनस 3 और वाई पर माइनस 5, तो ये वाला पॉइंट माइनस 3 माइनस 5 ठीक है। अब ये हमें पता नहीं, वेरीफाई योर आंसर बाय लोकेटिंग देम ऑन द कार्टेशियन प्लेन, लोकेट तो कर दिया, अब क्वाड्रेंट भी हमें डिफाइन करना है। देखिए 1 कॉमा 2, स्टार्टिंग में 1 कॉमा 2 हमारे पास कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ये फर्स्ट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग, ये फोर्थ क्वाड्रेंट, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो 1 कॉमा 2 कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसके बाद देखिए पॉइंट माइनस 3 कॉमा 4 कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट आंसर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट हमारे पास माइनस 1 कॉमा 0, ये एक्स एक्सिस पर है, कोई से क्वाड्रेंट में लाई नहीं करेगा, ये आएगा हमारे पास एक्स एक्सिस पर। माइनस 1 कॉमा 0 कौन से एक्सिस पर लाई कर रहा है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है जो हमारे पास एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पर। माइनस 3 माइनस 5, माइनस 3 माइनस 5, ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट, तो थर्ड क्वाड्रेंट आंसर आ जाएगा इसका, थर्ड क्वाड्रेंट। अब ये पॉइंट बचा 3 कॉमा माइनस 1, 3 कॉमा माइनस 1, 3 कॉमा माइनस 1 कौन से क्वाड्रेंट में आ रहे हैं, फोर्थ, तो ये आ जाएगा इसका आंसर फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ऐसे ग्राफ पेपर में पहले सबसे पहले गिवन पॉइंटों को लोकेट करेंगे, फिर उसके क्वाड्रेंट हम डिफाइन करेंगे उसी के, दैट इज आंसर, फाइनल आंसर हमारा ये है। तो इसी टाइप के जो और क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.3 3.2 में, तो आपको कंप्लीट कर लेना, तो एक एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं, बाकी इसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन होते हैं, ठीक है।